25 अप्रैल की शाम की ब्रीफिंग कोरोना के संबंध में जारी की जा रही है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 200 सैंपल भेजे गए हैं सुबह से, और जो कल सैंपल भेजे गए थे उसमें से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 13 नए केसेस निकलकर आज जिले में आए हैं। इस प्रकार कल की स्थिति के जो 43 केस थे और आज के 13 केस कुल मिला के 56 केस हमारे जिले में निकल कर आए हैं। 7 लोग ठीक हो चुके हैं पूर्व में ही, जैसा जानकारी दी जा चुकी है। ये जो 13 केस पॉजिटिव निकल कर आए हैं ये सभी केसेस जो पूर्व से जो कोर जोन हमने घोषित किए थे, एक एक केस को लेकर के अभी हम लोग उनके एड्रेस का सत्यापन करा रहे हैं, इसमें हम लोग उसको देखेंगे कि वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन पूरे सारे केसेस जो हैं हमारे लगभग 12 केसेस में से जो हैं वो पूर्व में जो कोर जोन बने थे उसी में से निकल कर आ रहे हैं। और ये जो सघन सर्वे किया जा रहा है कोर जोन्स के अंदर, क्लस्टर कंटेनमेंट जोन्स के अंदर, जिसमें घर घर जाकर के जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला और शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है, वो घर घर जाके इसका सर्वे कर रहे हैं, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स निकल कर आ रहे हैं या पूर्व में जो पॉजिटिव पेशेंट निकल कर आए उनके जो कॉन्टैक्ट में लोग निकल कर आ रहे हैं उनके लोगों का सर्वे किया जा रहा है। और इसीलिए क्योंकि जो इनके सर्वे किया जा रहा है ऐसे लोगों के सर्वे टेस्टिंग करने की प्रयास किया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकलने की संभावना है, इसलिए भी ये कोरोना के जो हमारे ये 13 केस निकल कर आए हैं। और ये हमारे सर्वे की सफलता ही हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। जबलपुर वासियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग जो भी प्रयास हमें करना चाहिए एग्जैक्ट वो एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए जहां हमें सघन मॉनिटरिंग करनी है, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये सर्वे ये प्रयास उसी दिशा में किए जा रहे हैं। आज की स्थिति में भी यदि हम देखें कि 1260 सैंपल भेजे गए हैं और उसमें 56 केस निकल कर आए हैं, जो कि पूरे जो हमारा नंबर है उसका लगभग 4% 5% के अराउंड आता है। ये अगर इसकी हम तुलना करें बाकी किसी भी शहर से जहां कोरोना का प्रकोप है या बाकी देशों से तुलना करें तो जबलपुर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसमें खुश नहीं हो सकते हैं। हमें 2-3 चीज़ों का इसमें जो पैटर्न निकल कर आ रहा है उनका हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई जगह हमने ऐसा पाया कि जिन लोगों को क्लस्टर कंटेनमेंट जोन पूर्व से घोषित हैं सभी लोगों को जानकारी है, उसके बाद बावजूद भी कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं या मिले हैं, और जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों से मिलना निकल कर आता है, फिर उनकी भी हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और उनको भी हमें टेस्टिंग के दायरे में लेना पड़ता है। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि इन चीज़ों को लाइटली ना लें। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो एसिम्प्टोमैटिक हैं, इसका अर्थ यह है कि उन्हें किसी प्रकार के सिम्टम नहीं आते हैं। एसिम्प्टोमैटिक होने की दशा में कृपया आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि वो सबसे खतरनाक स्थिति है। आपको खुद नहीं ज्ञात होगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन आपसे दूसरे लोगों को कोरोना मिल सकता है, कोरोना का फैलाव हो सकता है। शासन प्रशासन तो पूरी तरीके से लगा ही हुआ है कि आप लोगों को निर्देशित भी कर रहे हैं, दंडित भी किया जा रहा है, लेकिन जब तक जबलपुर वासी खुद नहीं ये निर्णय ले लेंगे कि उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, किसी भी स्थिति में जो शासन और प्रशासन के द्वारा नियम जारी किए जा रहे हैं उनका उल्लंघन नहीं करना है, तब तक हम अपने इस अभियान में सफल नहीं होंगे। जिन क्षेत्रों में जिन जगहों में शुरुआत में केस निकल कर आ गए थे आज से 28 दिन पूर्व और वहाँ का जो एरिया है वो सजग हो गया था और वो इसके प्रति उसको समझ में आ गया था कि हमारे एरिया में केस निकला है, इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि वहाँ पर हम लगातार सर्वे कर रहे हैं लेकिन कोई केस पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि कोई भविष्य में केस पॉजिटिव निकल भी आए तो हम उसके लिए भी हम नया कोड बनाएंगे, लेकिन अभी तक उन जगहों पे हमारी जो टेस्टिंग हुई है और वहाँ पे पॉजिटिव नहीं निकला है। तो ये जो नया हमारा ये जो जोन तैयार हुआ है सर्राफा से लेकर के गोहलपुर थाने तक का जो लंबाई में एक पैच निकल कर आया है, वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग के बावजूद सभी से आग्रह है कि घरों से बाहर ना निकलें। इसको अगर हमें यहाँ रोकना है इसीलिए दो दिन और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, जैसा कि सब लोग देख सकते हैं। बाहर जिले के जबलपुर जिले के रहने वाले जो मजदूर हैं जो राज्य से बाहर हैं और जो हमारे ही जिले के हैं और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में हैं या अन्य जिले के मजदूर जो हमारे जिले में हैं, ऐसे सभी प्रकार के मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको अब उनके गंतव्य स्थान पर भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम इसके फेज में गुजरात में जो हमारे जिले के मजदूर फंसे हुए हैं और यहाँ पे जो गुजरात से जाने वाले मजदूर हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। हमें आशा है कि सोमवार या मंगलवार तक इन बसों का रवाना कर दिया जाएगा
प्रयास हमारा ये रहेगा कि कल तक ही हो जाए। कल हम उन मजदूरों का भी मूवमेंट और उन लोगों का भी मूवमेंट शुरू कर देंगे जो हमारे जिले में हैं और अन्य जिलों के हैं। उससे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, उनको बसों की व्यवस्था करके भेजा जाएगा। यदि उन्हें किसी प्रकार के सिम्टम होंगे तो उसकी जानकारी सामने वाले जिले को दी जाएगी। मेरा सभी ऐसे श्रमिक भाई बहनों से आग्रह है कि आप धीरज बना के रखें, आपके स्वास्थ्य के हित में जो निर्णय होगा वही लिया जाएगा और जल्द से जल्द प्रशासन का प्रयास है कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए। अंत में जो हमारे सप्लाई चेन है जिले की, चाहे वो भोजन के लिए जो मूवमेंट हो रहा है या गैस के लिए हो रहा है, अभी हमने एक केस का एनालिसिस किया तो निकल कर आया कि जो गैस वितरण होता है उससे भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लोग निकल कर आए हैं। हालांकि अभी वो सभी सिम्टोमेटिक हैं और ये बहुत अच्छी बात थी कि जिसने भी गैस का वितरण किया उस केस में उसने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन किया, ग्लव्स पहने, दूरी बनाई, मास्क पहना। इसके बाद भी हमें उनकी टेस्टिंग करानी पड़ेगी, इसके बाद भी हमें उनका परीक्षण कराना पड़ेगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं आपको उसका असर दिखता है। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जितने कम से कम आप लोग कांटेक्ट में आएंगे और ऐसे एसेंशियल सप्लाईज के लिए, उसको जितना आप लोग कम रखेंगे उतना ही कोरोना के फैलने के चांसेस भी कम होंगे। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। ये छोटी बातें ही जब कोई पॉजिटिव केस निकल कर आता है तो ये बड़ा स्वरूप ले लेती हैं। अंत में मैं पुनः सभी जबलपुर वासियों से आग्रह को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो अभी तक उन्होंने हमारा साथ दिया, आप आगे भी हमारा साथ देते रहें। हम जल्दी ही कोरोना जबलपुर जिले को कोरोना मुक्त करके दिखाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।